सांसद सदस्यता रद्द किए जाने से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता अलग अलग तरह से विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में भाटापारा के कांग्रेस अध्यक्ष विनोद अग्रवाल और ग्रामीण अध्यक्ष अमर मंडावे के नेतृत्व में कांग्रेस भवन कार्यालय भाटापारा में शहर प्रभारी प्रभाकर मिश्रा, ग्रामीण प्रभारी संतोष तिवारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहाँ कहा गया कि भाजपा सरकार सच की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। आगे कहा कि षड्यंत्र के तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हम लोगों को कहा गया, आदेशित किए गए, निर्देश दिए गए हैं, जिस हिसाब से देश में इस समय जो केंद्र सरकार का जो तानाशाही पूर्ण रवैया चल रहा है, जिस हिसाब से राहुल गांधी जी के सदस्यता समाप्त करने के लिए उन लोगों ने न्यायपालिका तक का उपयोग कर डाला, जिस हिसाब से इस समय छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी के छापे हो रहे हैं, ये एक प्रकार से जो केंद्र सरकार की डराने और धमकाने की एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस हिसाब से विपक्ष को दबाने का उनका मुंह बंद करने के लिए जो किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी कांग्रेस जन हर ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय में सभी जगहों पे पत्रकार वार्ता भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम अपनी आवाज जनता तक और पहुँचाना चाहते हैं कि इस केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार से किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को ये किस तरीके से धीरे धीरे दमन कर रहे हैं और अपनी तानाशाही चला रही, उस वजह को, इन सारी वजहों को लेकर के आज की ये प्रेस वार्ता थी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, तो देश में ये आह्वान राजीव गांधी जी के साथ जो षड्यंत्र पूर्वक उनकी सदस्यता को डिस्क्वालीफाई किया गया और एक षड्यंत्र के तहत उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये उसके तहत ये कार्रवाई आज की प्रेस वार्ता कार्यक्रम था। और आगे भी हम लोग राजीव अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ में और पूरे जोर धम से पूरे उनके कदम से कदम में हर साथ में जमीन की लड़ाई हो चाहे राजनीतिक लड़ाई हो, हम कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ देंगे कांग्रेस जन। और इस अडानी और मोदी के खिलाफ हम लोग जो ये कार्यक्रम शुरू से करते आ रहे हैं इनकी तानाशाही और ये देखते आ रहे हैं इसके खिलाफ हमेशा से हम लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता बुलाई गई और मुद्दा यही था कि हमारा देश, भारत देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसे कांग्रेस ने बनाया था, इस देश को आज़ादी दिलाई थी, आज वो लोकतंत्र खतरे में है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 4 बार के सांसद रहे राहुल जी, जो कि लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे इस मुद्दे में कि अडानी के साथ क्या संबंध है, 20,000 करोड़ रुपए उनके सेल में जो लगा है वो किनका है, उसका जवाब नहीं देते हुए बहुत ही गलत ढंग से जिस प्रकार से मानहानि का मुद्दे में 2 साल की उनकी सजा हुई और उसके बाद लोकसभा सदस्य से उन्हें हटाया गया, उसमें बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है, ताकि किसी की बात को न रख सके। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, ये उनकी सोच को प्रदर्शित करती है कि कैसा लोकतंत्र हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस जन पूरे देश में बसे हुए हैं और राहुल गांधी हमारे नेता हैं और कांग्रेस हमेशा मजबूत रहेगी।